सत श्री अकाल दोस्तों, चैनल फ्रंटलाइन पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मजदूर कारकुन नवदीप कौर नूं अखीर कल अदालत तो जमानत मिलने तो बाद करनाल जेल तो रिहाई मिल ही गई। दलित कारकुन शनिवार को सिंघू सराते एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदिया जेल में उस अपने उत्ते कीते तशद्दुद बारे दस्या। उसने कहा कि पुलिस ने उसनू बालों तो खिंच के बुरी तरह नाल कुटिया। नवदीप कौर ने कहा कि जिन्ना चिर काले कानून आउणगे असीं कामियां दे हक्कां लई लड़दे रहांगे। नवदीप ने कहा कि पुलिस कोल उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं हन अते पुलिस नू उसने तसीहे दित्ते हन। उसने कहा कि जदों उसनू गिरफ्तार किया जा रहा सी तां उत्थे कोई महिला पुलिस मुलाजम नहीं सी। उसने दोष लगाया कि पुलिस ने जबरदस्ती उसके दस्तखत सादे कागजा उत्ते लए हन। अगे कहा कि पुलिस जानबूझ के उसनू डाक्टरी जांच लई नहीं लैके गई। उसकी डाक्टरी जांच अदालत के हुक्मों तो बाद 14 दिन बाद हुई सी। इस तो अलावा उसने शिव कुमार की रिहाई की मांग की, पर पुलिस द्वारा उसनू भी तसीहे दिते जा रहे हैं। नवदीप ने खुलासा किया कि शिव कुमार से तशद्दुद किया जा रहा है तो उसकी हड्डी भी टुट गई है। दसनयोग है कि नवदीप कौर नू तीजे केस विच बीते दिन पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों जमानत दिती गई है। उसके खिलाफ ये मामला धारा 307 अधीन भाव इरादा ए कातल का मुकदमा दर्ज सी। उस खिलाफ दो मुकदमे विच उसनू जिला अदालत वल्लों पहला ही जमानत मिल चुकी है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नवी खबर के नाल, तद तक लई सत श्री अकाल।